वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होते ही इस ट्रेलर ने मचा दी है धूम। आखिर धूम मचाएगा क्यों नहीं, इस मूवी को बनने में 9 साल लगे हैं, पूरे 9 साल। मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है ब्रह्मास्त्र, जिसपे अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो चलो यार साथ में देखते हैं कैसी है, फिर करते हैं बात उसके बारे में। अरे तगड़ा, ये नागार्जुन थे। जल, वायु, अग्नि, प्राचीन काल से हमारे बीच अमिताभ बच्चन की आवाज है जो अस्त्रों में भरी हुई है। बजरंग बली जी, ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। ब्रह्मास्त्र, रणवीर कपूर है शिवा, वेरी गुड। आलिया भट्ट, कौन हो तुम? क्या हो तुम? रंग जाऊं जो मैं, ये जवानी है दीवानी वाला सीन लगा है देख करके। शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। क्या रिश्ता है? आग मुझे जलाती नहीं। अच्छा, कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिन समर्थ्यम हे नंदी अस्त्रम खंड खंड। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद, तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। यार ट्रेलर देखकर तो मजा आया, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति मिलेगा। तो गाइस, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी गुड वर्सेस एविल के ऊपर बनाई गई है, और गुड वर्सेस एविल में गुड हो गए आपके जल, वायु, अग्नि, जिसका नाम स्टार्टिंग में लिया गया था, और एविल हो गई आपकी मौनी रॉय, जो कि ब्रह्मास्त्र वेपन को छीनना चाहती हैं। ट्रेलर में VFX का यूज बहुत ही तगड़ा किया गया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी जस्ट ऑसम है। अमिताभ बच्चन की वॉइस और अरिजीत सिंह की वॉइस, केसरिया सॉन्ग के तो आपने सुनी लिया है, खैर नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज सुनो। तो जैसे कि मैंने कहा था, मोस्ट अवेटेड मूवी है ब्रह्मास्त्र, मोस्ट अवेटेड तो होगी यार, ट्रेलर क्या गजब बना रखा है इन लोगों ने। और अब 3 महीने का वेट और करिए, 9 सितंबर को रिलीज होगी ब्रह्मास्त्र। मैं तो जरूर देखने जाऊंगा और अपना रिव्यू भी दूंगा, बाकी आप भी जरूर देख के जाना और बताना कैसी लगी मूवी। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।